अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। आज अपने साइंस के सेकंड लेसन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आपको याद होगा प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, दो क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों की क्लासिफिकेशन, पौधों को कितने गिरोह में तकसीम किया गया है। तो हम मोस्टली प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स और सेकंड है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल में आपके पास है रोज़, गुलाब, आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो रोज़ क्या है, बेसिकली फ्लावर है, तो जिस प्लांट पे ये लगता है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। पी है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में है फर्न्स एंड मोसिस, इन पौधों के ऊपर फूल नहीं लगते। आज हम पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या क्या खसूसियात होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपके सामने मैंने इन डिटेल लिखा हुआ है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट है या एनिमल है, वो अपने ही जैसी दूसरे जानदार पैदा करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और जो ऑर्गन्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स अपना रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, पॉलिनेशन भी हो सकता है, वो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि फ्लावरिंग प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली फ्लावर्स होते हैं। लीफ, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। आपको मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, देखिए ये आपके पास एक प्लांट की पिक्चर है, रोज़ प्लांट है बेसिकली ये, उसकी एक ब्रांच ली हुई है, टहनी ली हुई है, उसके ऊपर आपको स्टेम भी नज़र आ रहा है, लीव्स भी नज़र आ रहे हैं और फ्लावर भी नज़र आ रहा है। अब देखिए फ्लावर के जो लीव्स हैं, ये दिस वन रेड और ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, इन लीव्स को हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। द लीव्स इन द फ्लावर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरल लीव्स। अब फ्लोरल लीव्स जो हैं वो कितने पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने, सेपल्स होती हैं उनमें और पेटल्स होती हैं। सेपल्स और पेटल्स बेसिकली क्या होती हैं, लीव्स की ही फॉर्म होती हैं। आपको देखिए नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ग्रीन कलर की हैं, ये क्या है, फ्लोरल लीव्स हैं किसी भी फूल के, और ये पेटल्स हैं, ये कलरफुल होती हैं। सेपल्स ग्रीन कलर्स की हैं और पेटल जो हैं ये कलरफुल होते हैं। तो हम इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सेपल को डिफ़ाइन करते हैं। द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। देखिए फ्लावर के बाहर सबसे पहला जो वर्ल है, यानी पहला जो घेरा है, वो ग्रीन कलर के फ्लोरल लीव्स का है, इनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और पेटल्स क्या हैं, सेपल्स के अंदर आर कलरफुल लीव्स विच आर कॉल्ड पेटल्स। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, द कलरफुल लीव्स इनसाइड द सेपल्स विच आर कॉल्ड पेटल्स। तो पेटल्स कलरफुल होती हैं और सेपल्स ग्रीन इन कलर होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीड। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट्स के अंदर सीड मौजूद होते हैं, जिन्हें आप बीज कहते हैं। आप अगर फ्लावरिंग प्लांट को देखें किसी को भी, और इसका फ्रूट देखें, तो उसके अंदर छोटा सा बीज होगा जिसे हम सीड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, हर प्लांट के सीड के अंदर यंग प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, देयर इज़ अ यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड एम्ब्रियो।
नेक्स्ट है हमारे पास कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? एम्ब्रियो के अंदर एक या दो सीड लीव्स होते हैं जिन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। इनसाइड एम्ब्रियो वन और मोर सीड लीव्स आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स। अब इन कॉटिलेडन्स का फंक्शन क्या है? कॉटिलेडन्स का फंक्शन ये है बच्चे, ये खुराक को स्टोर करते हैं जो यंग एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में प्लांट्स की काइंड्स पढ़ी, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। और हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फ्लावरिंग प्लांट्स की, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? फ्लावर्स। इनके लीव्स को क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स। फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? सेपल्स या पेटल्स। ये सेपल्स और पेटल फ्लोरल लीव्स भी कहलाती हैं। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर एंड पेटल्स आर कलरफुल फ्लोरल लीव्स। सीड, हर फ्लावरिंग प्लांट के फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। कॉटिलेडन्स दे स्टोर फूड विच इज़ यूज बाय द यंग एम्ब्रियो। फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन्स स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना होता है यंग एम्ब्रियो के लिए। होमवर्क में आपने क्या करना है? इसी टॉपिक में से जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपने इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स? आप इनकी डिफाइन करेंगे और एग्जांपल भी देंगे। व्हाट आर फ्लोरल लीव्स? फ्लोरल लीव्स को डिफाइन करेंगे। डिफाइन सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स की डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन्स ये आप बताएंगे। आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।